हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं वेज बिरयानी रेसिपी। फ्रेंड्स, इसे हमने करी ग्राम के बिरयानी पेस्ट से बनाया है। इसको पाने की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। इसे आप इजी ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इससे जो बिरयानी बनती है वो बहुत ही डिलीशियस एंड टेस्टी लगती है। अगर आप मार्केट से बिरयानी खरीदते हैं वो 150 से 200 रुपए मिलती है, मगर इससे अगर आप बिरयानी बनाते हो तो आपको एकदम मार्केट वाला स्वाद लगेगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रुचि फ्रेश। दोस्तों, मैं रुचि आपका अपने किचन में स्वागत करती हूँ। इसे बनाने के लिए जिन सामानों को यूज किया उसे बताते हैं। बासमती राइस, ये बड़ा वाला बासमती राइस लेंगे। प्याज कटा हुआ बारीक, इस तरीके से लंबे लंबे टुकड़ों में। बिरयानी पेस्ट, इसे आप इजीली ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। इसे हम आधा यूज करेंगे। हरी मटर, शिमला मिर्च, टमाटर, आलू, टमाटर, नमक, गोभी, गाजर, लाल मिर्च, धनिया पत्ती, तेज पत्ता और कुछ खड़े गर्म मसाले लिए हैं। जीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी। तो चलिए बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले इस प्याज को गोल्डन ब्राउन तल लेते हैं। बासमती राइस को 2-3 पानी का अच्छी तरीके से धुलकर रख लेंगे एक साइड। फ्रेंड्स, तेल अच्छी तरीके से हीट हो गया। चलिए अब थोड़ा-थोड़ा करके इसमें प्याज डालते हैं। हीट हो गया, चलिए इसमें प्याज डाल दिया है। अब इसे एकदम गोल्डन ब्राउन करना है, क्रंची क्रंची। ये देख पा रहे हैं, 5 से 6 मिनट लगते हैं इसे गोल्डन ब्राउन होने में। शुरू शुरू में ये तेज झाग छोड़ता है, थोड़ा संभल कर करिएगा ये काम। ये देखिए, इस तरीके से ये गोल्डन हो गया। चलिए अब इसे छान कर निकाल लीजिए और निकाल लीजिए। फिर से पैन चढ़ाते हैं और उसमें लगभग 1.5 ग्लास पानी डालेंगे। बासमती राइस को जो हमने धुल कर रखा हुआ था उसे उबालना है आपको। जब ये पानी में अच्छी तरीके से उबाल आ जाए तब आप इसमें थोड़े से गर्म मसाले डाल दीजिए। 2 लौंग, तेज पत्ता, बड़ी इलायची और ये धुले हुए बासमती राइस। इसे आपको करीब 80% तक कुक करना है, ज्यादा कुक नहीं करेंगे, इसे हल्का कच्चा ही बनाएंगे। 1 चम्मच तेल और थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। नमक हल्का ही डालिएगा, लगभग 1/2 चम्मच डालिएगा। चलिए इसे ढक देते हैं। बस इसे आपको 80% ही कुक करना होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब ये बिरयानी पेस्ट को ओपन कर लेते हैं, देखते हैं किस तरह का रहता है इसमें। ये देख पा रहे हैं, इसमें ये पेस्ट की तरह है। चलिए इसे कट करके आधा कटोरी में निकाल लेते हैं। देख पा रहे हैं, पहले चावल खोलकर ये आधा कुक हो चुका है, थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब इसके पानी को गिरा देते हैं। पानी को गिरा दिया है, इस तरीके से छान देंगे इसके सारे पानी को ताकि इसका सारा पानी निकल जाए किसी छन्नी में रखकर। अब इंडक्शन ऑन करके फिर से पैन चढ़ाइए और पैन में डालिए 3 से 4 चम्मच ऑयल, कुकिंग ऑयल डालेंगे हम। सरसों का तेल डाल रहे हैं, आप रिफाइंड भी बनाते हैं तो उसे भी यूज कर सकते हैं। तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाने पर अब इसमें ऐड कीजिए थोड़े से ये खड़े गर्म मसाले, छोटी इलायची, जीरा, मरीच, लाची, तेज पत्ता, दालचीनी, 2 बड़ी लाल मिर्च। इसे कुक कर लीजिए। इस तरीके से गोल्डन भुनने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे ये सब्जियां, कॉलीफ्लावर। इसे आपको गोल्डन ब्राउन करना है। आलू, शिमला मिर्च, बीन्स, जो भी आपके पास सब्जियां अवेलेबल हो आप उसे इसमें डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस आप यही सब्जियां डालिए, गाजर भी डाल दीजिए, ये हरी मटर, नमक स्वादानुसार। ध्यान दीजिएगा, चावल में भी नमक पड़ा हुआ है लेकिन हल्का ही डाला हुआ था। ये गाजर भी डाल दिया। चलिए फ्रेंड्स, अब इसे आप लाइट गोल्डन ब्राउन कर लीजिए। इसे ढककर हल्का पका लेते हैं। देख पा रहे हैं गोल्डन ब्राउन हो रहा है।
सब्जियों को भूनने के बाद ही इसमें मसालों को डालिएगा। थोड़ा ढक दीजिए 2 मिनट के लिए। ये देख पा रहे हैं करी ग्राम का मसाला इस टाइप का है, इसमें सारी चीजें मिक्स हैं। ये इस टाइप का करी ग्राम का मसाला है। चलिए ये देख पा रहे हैं सब्जियां हल्की हल्की पक चुकी हैं। अधपकी सब्जियां रखेंगे, सब्जियों को भी ज्यादा पूरा कुक नहीं करेंगे। आपको चावल और ये जो सब्जियां हैं बाकी सभी चीजों को 80% तक कुक करना है। ये देख पा रहे हैं लाइट गोल्डन हो गई है सब्जियां। फ्रेंड्स जो करी ग्राम में हल्दी पड़ी हुई है वो काफी नहीं रहती है, इसलिए थोड़ा सा हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड किए हुए हैं। अब करी ग्राम का मसाला डालकर इसे 2 मिनट भून लीजिए अच्छी तरीके से। ये देख पा रहे हैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं ताकि सब्जियों में अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाए। बस थोड़ा ही पानी डालिएगा, लगभग आधा कप पानी डालकर इसे फिर से अच्छी तरीके से कुक कर लीजिए। ये देखिए, चलिए फ्रेंड्स अब थोड़ा इसे ढक देंगे ताकि सब्जियां थोड़ी थोड़ी पक जाएं। बस ज्यादा नहीं, 1 ही मिनट इसे ढकेंगे। ये देखिए मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। ये अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद चलिए अब फ्लेम बंद कर दीजिए। अब जिस पैन में आपको बनाना है, तो हम एक कुकर में इसे बना रहे हैं तो कुकर ले लिया है। अब सबसे पहले इन सब्जियों को 2 भाग में बांट लेंगे। कुकर में पानी सूख जाने के बाद इसमें डालिए 1 चम्मच ऑयल और ऑयल के चारों तरफ स्प्रेड कर लीजिए, फैला लीजिए अच्छी तरीके से। ये इस तरीके से फैलाने के बाद अब इसमें ऐड कीजिए सब्जी। सब्जियों को 2 भागों में बांट लेंगे, चावल को भी 2 भागों में बांटेंगे। तो सबसे पहले आधी सब्जियां नीचे डाल देंगे। फ्रेंड्स इस समय फ्लेम बंद ही रखेंगे, फ्लेम ऑन नहीं रखेंगे। फ्लेम एकदम लो कर देंगे। नीचे सब्जियों को अच्छी तरीके से लगा दीजिए तल पे। ये देखिए ये आधा सब्जियां अच्छी तरीके से फैला दिए हैं, फ्लेम बंद कर दिया है। हल्का सा पानी का पुट दे देंगे ताकि नीचे से जले नहीं। अब ये जो बासमती राइस उबल के रेडी हुआ है इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर फैला देंगे, लगभग 1 लेयर तक, 1 मोटी लेयर। आपको दोनों चीजों को आधा आधा भागों में बांट के रखना है। चावल भी आधा भाग में फैला देंगे ऊपर से, और आधा चावल बचा के रखेंगे ऊपर लगाएंगे। चलिए अब ये जो प्याज रखा हुआ था गोल्डन ब्राउन करके इसे लगा दीजिए, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ये चारों तरफ इसे लगाने के बाद अब ये जो आधा बची हुई सब्जियां हैं अब फ्रेंड्स इसे लगा देते हैं। ये देखिए चारों तरफ इसे लगा देते हैं अच्छी तरीके से। ये जब बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स ये खाने में एकदम रेस्टोरेंट की तरह लगेगा। जैसे आप रेस्टोरेंट में मंगाकर खाते हो, एक बार घर में बनाओगे तो दोबारा रेस्टोरेंट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ये अच्छी तरीके से चारों तरफ फैला देंगे। ऊपर से धनिया पत्ती थोड़ी सी डाल दीजिए सब्जियों के ऊपर, क्योंकि ये 2nd लेयर था। अब डालेंगे इसके ऊपर जो बची हुई चावल है उसको भी फैला दीजिए। अब सारी चावल डाल देंगे। ये देख पा रहे हैं बासमती राइस पूरी तरीके से कुक नहीं हुई है, लेकिन जब ये पूरी तरीके से कुक हो जाएगी तो ये और भी लंबी लंबी हो जाएगी। चलिए अब पूरा डालने के बाद अब इसके ऊपर डालेंगे प्याज। प्याज को भी 2 भागों में बांट के रखा था, 1 लेयर बीच में लगाया हुआ है और 1 लेयर ऊपर लगाएंगे। 1 चम्मच ऑयल ऊपर डाल दे रहे हैं, ये देख पा रहे हैं। ऑयल लगाने के बाद अब ये लाल मिर्च और प्याज चारों तरफ फैला दे रहे हैं, और इसके ऊपर डालेंगे धनिया पत्ती। थोड़ी देखने में आकर्षक लगे और खाने में भी डिलीशियस लगे। फ्रेंड्स इसे जब आप मेहमानों के सामने सर्व करेंगे तो आपकी जरूर लोग तारीफ करेंगे।
चलिए फ्रेंड्स, अब कुकर बंद करके इसे एक हल्की सीटी आने देंगे। कैसे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, दो मिनट बाद सीटी आ चुकी है। चलिए अब इसे खोलकर चेक कर लेते हैं। इसमें एक ही सीटी लगाई हुई है, ज्यादा नहीं लगाएंगे। ये देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, कितनी अच्छी तरीके से ये बनकर रेडी हो गया है। चलिए इसे अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। ये देखिए, देखने में लग रहा है ना आकर्षक, आ रहा है ना मुंह में पानी। फ्रेंड्स, ये देखने में इतना आकर्षक है तो खाने में कितना लाजवाब लगेगा। चलिए इसे धीरे धीरे करके निकालते हुए सर्व कर लेंगे। फ्रेंड्स, बिरयानी आपको एक ही रंग की नहीं दिखेगी, थोड़ी सब्जियों का कलर और थोड़े चावलों का कलर, इसे ही कहते हैं असली बिरयानी। इसी तरीके से बनती है मार्केट की बिरयानी। फ्रेंड्स, इसे आप जरूर ट्राई कीजिए, बनाना भी आसान है और खाने में तो इतना लाजवाब कि एक बार खाएंगे तो दोबारा जरूर खाना पसंद करेंगे। चलिए अब इसे थोड़ी गार्निश कर देते हैं। ये थोड़ी सी धनिया पत्ती से गार्निश कर दिया। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारी ये डिलीशियस वेज बिरयानी बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत ही डिलीशियस एंड टेस्टी है। फ्रेंड्स, हम हर दूसरे दिन आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आते हैं। ये देखिए इसकी एक बाइट्स, इसे हम खाकर दिखाते हैं। वाओ, वेरी डिलीशियस। फ्रेंड्स, ये वाकई में बहुत ही डिलीशियस बना है, इसे आप जरूर सर्व कीजिए और जरूर बनाइए। फ्रेंड्स, हम हर दूसरे दिन आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आते हैं। आप हमारे चैनल को जरूर सर्च कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आए तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वेज बिरयानी कैसी लगी। थैंक यू, बाय। चावल को दो पानी का धुल लेंगे।